आज़ादी तो मिली है, लेकिन उसको त्यौहार करके मनाना चाहिए। उसके लिए काफ़ी लोगों का बलिदान है, और काफ़ी लोगों का बलिदान और त्याग के भावना से कितने साल लोग लड़े, मरे, कटे, तो उनकी उनकी जो इच्छा पूर्ति हो गई, और उसके चलते आज हमको आज़ादी मिल के हम स्वतंत्र भारत के नागरिक करके कहलाए जाते हैं। ये वो जाग जग में हम भारतीय हैं ये कहने का अधिकार मिला, ये बहुत बड़ा योगदान है। आज 75वां साल गांठ मनाए जा रहे, जिन्होंने अपनी शहीदता दी है, तो उनको मैं बहुत बहुत विनम्र प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और देश ऐसा ही 21वीं सदी में जाते समय वर्ल्ड में एक नंबर का होने के लिए जो प्रयास मोदी जी साहब के नेतृत्व में चालू है, और ऐसा बरकरार रहे, और हर इंसान, ये मेरा त्यौहार है, कहीं देश का 15 अगस्त झंडा ऊंचा रहे, हमारा एक गान गा के या राष्ट्रगीत गा के चलेगा नहीं, या एक दिन मना के नहीं, वो जज्बा कायम रखना चाहिए, देश के प्रति प्रेम भावना बढ़े। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।